सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी मीडी फ्रॉक की स्टिचिंग, जिसकी कटिंग मैं पहले डाल चुकी हूँ। सबसे पहले हमने जो ये निशान लगाए थे कटिंग में तीन, तो यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है और ये हम सीधा उल्टा देख लेंगे। अभी हमारी तीन सिलाई हो गई, अब इसी तरीके से दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। अभी हमारे कपड़े की जो चौड़ाई है वो 1 इंच है, इसको डबल करके पहले सिलाई लगाएंगे और इसको फिर सीधा करेंगे। अब इसको डबल करके इसके टुकड़े कर देंगे। अब इसमें हम बड़ा वाला मोती डालेंगे। अब देखिए इसी के बराबर ये पट्टी है, तो हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये पट्टी की जो लंबाई है वो 12 इंच है, तो ऊपर से हम गले पे से 2 इंच छोड़ के लगाएंगे, 2-2 इंच पे। अभी लगाने के बाद यहाँ पे सिलाई लगाएंगे।
अब इसके बाद हम इसको डबल करके पीछे के पल्लव के बराबर इसको रखेंगे। बराबर है पीछे के पल्लव के। अब यहाँ से हम इसमें थोड़ा सा गोलाई का शेप दे देंगे। अब इसमें जोड़ेंगे हम पीछे का पल्लव। अब एक साइड से हम इसको खुला रखेंगे। पहले हम इसमें गले में पट्टी लगाएंगे, बाद में हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अब इसके लिए हमें यहाँ से तिरछा करना कपड़ा। अब ये हमारा उल्टा है, उल्टे के ऊपर हमें पट्टी रखेंगे और आगे की साइड दबा के सिलाई लगाएंगे। अब इसको आगे की साइड दबा के सिलाई लगाएंगे। अभी हमने 1 इंच की चौड़ाई ली है, इसको अंदर की साइड दबा देंगे पट्टी को। यहाँ पे भार वाली पट्टी रखेंगे। अब दूसरी साइड यहाँ से इसको अंदर की साइड करेंगे। अब इसके ऊपर हमें आगे वाली जो शोल्डर है इसके ऊपर रख के यहाँ पे थोड़ा सा सिलाई का कट लगा लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। अब इससे क्या है, यहाँ पे हुक लगाएंगे और यहाँ पे काट। ये तिरछी पट्टी हम बाजू पे लगाएंगे आरोमल पे। अभी हमारा उल्टा है, उल्टे के ऊपर हम ये पट्टी को रखेंगे। अब इसको आगे की साइड दबा के सिलाई लगाएंगे आरो में। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से पट्टी लगाएंगे आरो में।
अब नीचे की साइड बेल्ट लगाएंगे और दो पट्टियां लगानी है। तो ये कपड़ा हमारा 1 इंच की चौड़ाई है, इसको डबल करके पहले एक सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई और लगाएंगे किनारे पे। अब इसमें बराबर हमें 4 पट्टियां करनी है। अब यहाँ पे 1 पट्टी लगाएंगे और यहाँ पे। अब इसी के बराबर दूसरी साइड निशान लगा लेंगे। अब इसमें पट्टियां लगाएंगे जो बेल्ट है। अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से पट्टी लगाएंगे। अब यहाँ पे इसको दबा देंगे। अब इसमें नीचे का घेर जोड़ेंगे। तो यहाँ से हम इसको डबल करके बीच में निशान लगा लेंगे। अब ये घेर का निशान और इसको दोनों को मिला के सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से इसको जोड़ेंगे, पीछे वाले कलर को भी। पहले इसको डबल करके बीच में निशान लगाएंगे। अब इसके बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे। जितनी हमें फिटिंग करनी है उतना हम निशान लगा के सिलाई लगा लेंगे। एक एक इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से तो ये हमारा घेर बंद है, तो इसको हम इस तरीके से शेप में सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई लगाने के बाद अब इसकी बेल्ट बनाएंगे। अब हमने इसकी जो चौड़ाई ली है वो 2.5 इंच की है और लंबाई है 40 इंच की लंबाई रखी है। अगर हम ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो हम इसको पहले डबल करके सिलाई लगा लेंगे।
देखिए हमने फ्रॉक को सीधा किया है और यहाँ पे हम हुक लगाएंगे, अंदर वाली साइड है, और यहाँ पे कार्ड बनाएंगे। ये आप जींस या लेगी के ऊपर पहन सकती हैं और पीछे की साइड इस तरीके से है। और ये बेल्ट लगाने की हमने बनाई है। यहाँ पे क्या है, ये हमने जो डबल करके दोनों साइड किनारे पे सिलाई लगा ली है, इसको सीधा करके इसके ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। यहाँ से आप बेल्ट से ढीली करी कर सकते हैं। और नीचे की साइड अगर आप सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। अगर आप इसमें कोई लेस लगाना चाहें पाइपिंग वाली तो लेस भी लगा सकते हैं, और भी सुंदर लगेगी हमारी मीठी फ्रॉक। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।